शुक्रिया दोस्त, शुक्रिया मुझे वो जिंदगी के सबसे हसीन पल देने के लिए। शुक्रिया मेरी परेशानी को खुद की तकलीफ मानकर अपने सर लेने के लिए। शुक्रिया उन मस्तियों के लिए और मेरा सहारा बन जाने के लिए। शुक्रिया अपनी गालियों से, अपनी बातों से मुझे हंसाने के लिए। शुक्रिया मेरे साथ तब होने के लिए जब मैं बिखर गया था। शुक्रिया मुझे हिम्मत देने के लिए जब मैं पहली कोशिश करने से भी डर गया था। शुक्रिया मुझे संभालने के लिए जब मैं कहीं गलत था। शुक्रिया साथ रहने के लिए जब कोई और साथ नहीं था। शुक्रिया दोस्त, शुक्रिया। आज अपनी फेसबुक फीड पे वो पुरानी मेमोरी पॉपअप हुई। वो फोटो देख के पता नहीं क्यों आज तेरी याद सी आ गई। वो हंसते हुए चेहरे उस तस्वीर में बेहद खुश लग रहे हैं, जो साथ बैठ के खिलखिलाते थे कभी, आज पता नहीं कहां खो गए हैं। कुछ यादें ताजा हो गई पुरानी। उस वक्त इतना सोचा नहीं था कि उस पल को बैठ के इस तरह याद करेंगे। अब जिंदगी कहीं और ही ले गई है। झूठे हो गए वादे जो बोला था टच में रहेंगे। कैसे इतनी पास रहते हुए भी अरसा हो गया ना मिले हुए। एक कॉल की दूरी पे हम, बात भी नहीं हुई ना कितने दिनों से। पार्टनर्स इन क्राइम थे हम, वो पुरानी सारी मस्तियां धुंधली हो गई हैं। आजकल खुद के लिए भी वक्त नहीं मिलता यार, ये कैसी जिंदगी हो गई है। मैं परेशान था थोड़ा, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। मैंने सोचा एक बार कॉल कर लेता हूं उसे, पूछता हूं आजकल वो कहां होगा। पुराना नंबर खो गया था तो नया नंबर लिया था मैंने। मैंने कॉल लगाया उसे और काफी जल्दी उठा भी लिया उसने। मैंने बोला हेलो, और उसने पूछा कौन। पहले काफी देर तक बात किया करते थे हम, अपनी बातें, टेंशन और सारे राज खुल के बांटा करते थे हम। उसके साथ कभी प्रैंक कॉल भी नहीं कर पाया मैं, क्योंकि किसी भी नंबर से उसे फोन लगा लो, उसे मेरी आवाज पहचान में आ जाती थी। और आज जब उसने पूछा ना कि कौन बोल रहा है, तब एहसास हुआ कि कितनी दूरी हो गई है, जो कभी सोची भी नहीं जाती थी। जायज भी था, रोज मिलने में और अचानक मिलने में फर्क तो होता है ना। बस इसी फर्क की बदौलत वो दोस्ती का रिश्ता भी अधमरा सा हो गया था। मैंने जब बताया उसे नाम अपना, तब उसकी आवाज में ऐसी खुशी झलकी मानो वो कब से मुझसे बात करने को बेताब हो। दोनों ने अपना हाल एक दूसरे को जाहिर किया, जिंदगी की बुराइयां करते हुए लगा ऐसा जैसे आज मन कितने अरसों बाद आजाद हो। जितना भरा हुआ था दोनों ने सब बाहर निकाल दिया। हल्का फुल्का महसूस हुआ, फिर लगा फ्रस्ट्रेशन को कहीं कचरे में डाल दिया। फोन पे बात कर रहे थे हम और लग रहा था एक दूसरे के सामने खड़े हो। वो काम कोई दवाई नहीं कर सकती जो दोस्त का एक फोन कॉल कर सकता हो। हमने 1 घंटे 50 मिनट 15 सेकंड तक बात की उस दिन। उस बात से मालूम पड़ा कि सब कुछ बदल सकता है, सच्चे दोस्त नहीं बदल सकते, लेकिन वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। हम कहीं भी पहुंच जाएं, एक दूसरे के लिए हम चूतिए थे, चूतिए ही रहते हैं। शुक्रिया दोस्त, शुक्रिया मुझे वो जिंदगी के सबसे हसीन पल देने के लिए। शुक्रिया मेरी परेशानी को खुद की तकलीफ मानकर अपने सर लेने के लिए। शुक्रिया उन मस्तियों के लिए और मेरा सहारा बन जाने के लिए। शुक्रिया अपनी गालियों से, अपनी बातों से मुझे हंसाने के लिए। ये वीडियो देखने के बाद अपने उन दोस्तों को या एक उस दोस्त को जरूर कॉल करना जिसकी ये वीडियो देखते वक्त याद आई थी, या जिनसे काफी दिन हो गए हैं बात किए हुए। याद रखना, तुम सिर्फ एक कॉल की दूरी पर हो। दोस्ती में फिर जान आ जाएगी उस एक फोन की बदौलत। या नहीं तो इस वीडियो को शेयर करके एक मैसेज जरूर डालना। शुक्रिया दोस्त।